हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, इसमें जो भी सूटेबल आइडेंटिटी है उसको लगा के अपने को उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास में फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना है अपने को जो भी सूटेबल आइडेंटिटीज के अंदर लग रही है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी दोस्तों? जो फिफ्थ आइडेंटिटी थी ना अपने पास में, ए यहाँ पर कोई बी है और ये आपके पास में सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB, 2BC, 2CA, ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों A की जगह कितना है, X है, B की वैल्यू कितनी है, 2Y, और C की वैल्यू कितनी है, 4Z है। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है, 2Y है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4Z। आपने इससे कंपेयर कर लिया इसको, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आपने इसको कंपेयर कर लिया, तो राइट हैंड साइड में आप वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2Y, सी की जगह 4Z, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2Y, फिर 2BC है, तो यहाँ पर B और C की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर 2C की जगह A की जगह। ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, तो ये x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर कितना 16, और z का स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4 xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz, 2 4 जा 8 zx। ये आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। अगला देखेंगे अब, सेकंड देखेंगे फोर्थ का, 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी ये ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, ए की वैल्यू 2x है, बी की जगह प्लस में होना चाहिए, तो प्लस नहीं है तो ये माइनस का वाई है, और सी की जगह कितना है, प्लस जेड है। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB, 2BC, 2CA। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से ए की जगह 2x है और बी की जगह कितना है, माइनस वाई है, और सी की जगह कितना है, जेड है। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पुट करेंगे 2x,
बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह जेड। ए की जगह 2x, बी की जगह माइनस वाई, बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह जेड, 2c की जगह जेड, ए की जगह 2x। अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना, 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और माइनस पे स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाएगा, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4, एक्स वाई लेकिन माइनस प्लस माइनस, 2 वाई जेड लेकिन प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 जेड एक्स। ये आपका फोर्थ का सेकंड भी कंप्लीट। अगला देखेंगे दोस्तों फोर्थ का थर्ड। फोर्थ के थर्ड में देखेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखो तीन टर्म है ना, तीन टर्म का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ये। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, ठीक है। जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x, बी की वैल्यू कितनी है, प्लस 3y, और सी की वैल्यू कितनी है, प्लस 2z। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, ए की जगह माइनस 2x, बी की जगह 3y, सी की जगह 2z। ए की जगह माइनस 2x, बी की जगह 3y, सी की जगह 2z, और ये कितना है, माइनस 2x। इसको सोल्व करेंगे, देखो माइनस पे स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एक्स पे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स वाई ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वाई जेड प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन किसका होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8z x। तो ये आपका थर्ड भी कंप्लीट है। अगला देखेंगे फोर्थ का फोर्थ। यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही है, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे अपन। कंपेयर करेंगे, ए की जगह 3a, बी की जगह -7b, और सी की जगह -c। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह तो आएगा आपके पास में 3a, बी की जगह -7b, और सी की जगह -c। ए की जगह 3a, बी की जगह -7b, और सी की जगह -c, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस पे स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर, सी पे स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, माइनस का प्लस हो ही गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, लेकिन माइनस प्लस माइनस, ए बी का ए बी, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस था ही तो साइन आएगा प्लस का, 7 2 जा 14 बी सी। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 सी ए। ये आपका फोर्थ कंप्लीट है। अगला देखेंगे दोस्तों फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। 1 2 3, तीन टर्म थी आपके पास, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है,
जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होता है। यहाँ से ए की जगह कितना वैल्यू कितनी है कंपेयर करने पर, -2x, बी की जगह कितना है +5y और सी की जगह -3z। तो ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो आएगा यहाँ पे ए की जगह 2x -2x, बी की जगह 5y, सी की जगह -3z, ए की जगह -2x, बी की जगह 5y, टू बी की जगह 5y -3z, सी की जगह ए की जगह -2x। सोल्व कर देंगे इसको, 2 का स्क्वायर 4, माइनस पे स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9z स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 10, 10 2 20 एक्स वाई। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 15, 2 30, माइनस का माइनस और प्लस माइनस रहेगा, वाई जेड का वाई जेड, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस था ही, 3 2 6, 6 2 12, जेड एक्स। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट फोर्थ का। अगला देखेंगे फोर्थ का सिक्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये 1/4 है -1/2p +1 का होल स्क्वायर है, तो ये तीन टर्म हो गई अलग अलग, तो ये हो गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू 1/4 है, बी की वैल्यू -1/2b और सी की वैल्यू +1 है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, ए की वैल्यू कितनी है 1/4a, बी की वैल्यू कितनी है -1/2b, सी की वैल्यू है आपके पास 1, ए की वैल्यू कितनी है 1/4a, बी की वैल्यू कितनी है -1/2b, फिर 2 बी की वैल्यू 1/2b, सी की वैल्यू 1, 2 सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1/4a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 1/16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का 1, 2 का 4 और b स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 1 जा 1, नीचे 4 और ए बी, यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1b, ये केवल b लिख सकते हैं आप। यहाँ पर हो गया आपके पास 2 से ही कट गया 2 टाइम, तो 1/2a। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टराइज, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें अपने को फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है फिफ्थ का, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो अपन ने जो भी फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें जो आइडेंटिटी लग रही थी उसी हिसाब से होगा ये भी, बट यहाँ पर वो आइडेंटिटी क्या लगेगी, उल्टी लगेगी। इसमें राइट हैंड साइड दे रखी है अपने को, ठीक है, ये वाली साइड दे रखी है आपको, इस फॉर्म में आपका आंसर लाना है, उल्टी लग गई ना आइडेंटिटी, तो
यहाँ पर कंपेयर करने पर देखिएगा, इसको आपको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है, तो ये 4x² कब बना होगा, तब क्या होगा, 2x² होगा, ठीक है। फिर ये 9y² कब बना होगा, जब 3y² होगा। फिर ये 16z² कब बना होगा, जब 4z² हुआ होगा, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू पता लग गई, बी की और सी की वैल्यू आपको पता लग गई, ए की, बी की और सी की। तो यहाँ रख दीजिए, अब ए की जगह कितना 2x, बी की जगह कितना 3y, सी की जगह कितना आ जाएगा 4z। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, ये इससे यही आ रहा है 3y², तो 3 से हो जाएगा 9y² प्लस का 4 का स्क्वायर 16z², ठीक है। यहाँ देखिए 3 2 6 और 6 2 12x वही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 3 12, 12 2 24yz, तो 24yz तो आ रहा है लेकिन माइनस का आ रहा है, जबकि अपने इससे तो अगर बनेगा, अगर यही है ए और बी की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू, तो माइनस का बनना चाहिए था, ठीक है। तो अगले पाइए एक बार, यहाँ पर ये 4 2 8, 8 2 16z x, तो 16xz या zx बन तो रहा है लेकिन माइनस का बन रहा है, तो मतलब इस सीधी सी बात है कि ये yz है, ये xz है, इनमें दोनों में कॉमन कौन है, z, ठीक है। यहाँ पर y है, z है, x है, z है, तो इनमें से कोई ना कोई सी xyz में से एक वैल्यू ऐसी है जो माइनस की है, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर भी z है, यहाँ भी z है, तो इसका मतलब ये z ही किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस का 4z है, ठीक है। जहाँ जहाँ z है उसको माइनस का लिख दीजिए। अब एक बार चेक कीजिए इसको बन रहा है क्या, देखिए 3 2 6 6 और 6 4 24, -24yz बन रहा है, माइनस का 4 है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 8 2 16, प्लस माइनस माइनस, तो -16xz बन रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए 4z, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16z का स्क्वायर, z² माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब बिल्कुल सेट है ये, तो जब ये वाली फॉर्म आपके पास आ गई, तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2x, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3y, और c की वैल्यू कितनी है -4z, तो यहाँ रख दीजिए। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, ए की जगह कितना 2x, प्लस बी, बी की जगह कितना 3y, प्लस सी, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर तो आप इसको दो बार लिख दें क्योंकि आपको फैक्टराइज करना है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 5th का सेकंड, तो ये भी आपके यही फॉर्म है, ठीक है। राइट हैंड साइड दे रखी है, तो लेफ्ट जो ए प्लस बी प्लस होल सी का होल स्क्वायर है उसको उल्टी करके लगा रखा है इसको भी, ठीक है, उस आइडेंटिटी को उल्टा करके लिख रखा है, राइट हैंड साइड है फिर लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है। तो एक बार आप इसके अकॉर्डिंग सेट कीजिए इसको, ये 2x² कब बना हुआ, ठीक है, जब √2x² हुआ होगा, तो √2 पे √2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है, 2 आ गया होगा, x² x² आ गया होगा। y² कब बना होगा, जब y² हुआ होगा, ठीक है। फिर ये 8 कब बना होगा, 8 z² तो z से बन गया होगा, लेकिन 8 किससे बना होगा, 2√2 से, और z का z, ठीक है। ये कैसे बना था, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 2 8 हो जाएगा ना, फिर +2ab, तो 2a की जगह 2x, b की जगह y, फिर 2bc, और फिर कितना है,
ये जेड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसमें माइनस का कौन आ रहा है आपके पास में, इनसे ये बन रहा था ठीक है, अब इससे ये बन रहा है क्या देखिएगा, वाई और एक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टू रूट टू आ रहा है, लेकिन माइनस का आना चाहिए था, यहाँ प्लस का आ रहा है ठीक है। इनसे दोनों से तो प्लस का ही आ रहा है, वाई जेड का वाई जेड, इसको इससे करेंगे तो फोर रूट टू, मतलब ये वाई और जेड ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए टू को रूट टू को रूट टू से करेंगे तो टू, फिर टू टू जा फोर, फोर टू जा एट एक्स जेड, लेकिन माइनस का आ रहा है, तो ये और ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो मतलब ये एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये एक्स वाली टर्म ही किसकी है, माइनस की है ठीक है, क्योंकि वाई और जेड में से कोई माइनस होता तो यहाँ भी तो माइनस आता, तो ये वाई और जेड माइनस नहीं है, कौन है एक्स वाली टर्म है ना वो किसकी है, माइनस की है, तभी एक्स जिसके साथ में है वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो एक्स वाली टर्म में माइनस लगा लेंगे अपन, ये माइनस का रूट टू एक्स है ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, टू रूट टू एक्स वाई माइनस का, यहाँ देखिए माइनस का एट एक्स जेड हो जाएगा ठीक है। तो अपना आंसर किस फॉर्म में आएगा फिर, ए ए की जगह रूट माइनस रूट टू एक्स प्लस बी, बी की जगह वाई प्लस सी, मतलब टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो आप इसको दो बार लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा ठीक है। तो दोस्तों ये आज अपन ने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखा है, जिसके अंदर अपने ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, फोर्थ में तो ये सीधी लग रही है और फिफ्थ में उल्टी लग रही है ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।